पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि जनता ने चाहा तो वे चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भाजपा समर्थित 68 विधायक जो 2017 में चुनाव मैदान में थे, वे पूरी तरह सक्रिय होकर मिशन रिपीट पर काम करने लगे हुए हैं। कोई फुल एक्टिव मोड में काम कर रहा है तो कोई अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन प्रत्येक विधायक भाजपा को पुनः सत्ता में लाया जा सके इसके लिए पूरी तरह काम कर रहा है। मंगलवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान सुजानपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा मिशन रिपीट करेगी, इसके लिए पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह काम कर रहा है। जनता चाहेगी तो वे चुनाव लड़ेंगे और जीतकर भी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी ने सुजानपुर को 17 सेक्टर बनाने का वायदा किया था, वो तो बन नहीं सका, लेकिन उन्होंने चुनाव हारने के बावजूद सुजानपुर शहर को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सुजानपुर बस स्टैंड पर बनाई गई दर्जनों दुकानें इस बात का गवाह हैं। आने वाले दिनों में सुजानपुर में हेलीपैड की सुविधा, पर्यटन की दृष्टि से पैराग्लाइडिंग की सुविधा, व्यापारिक गतिविधियां को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म विभाग के अंतर्गत एक कैफे का निर्माण भी करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुजानपुर में जो विकास वर्तमान में हो रहा है, ये कहना अब भाजपा नेताओं का काम नहीं, क्षेत्र की जनता को लगता है कि यहाँ पर कुछ हो रहा है तो वे इस बात के साक्षी बने और खुलकर लोगों के साथ चर्चा करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अंतर्गत सुजानपुर में धौरा सेतु परियोजना के अंतर्गत बिजली का प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने से शहर में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, साहसिक खेल और टूरिज्म तथा व्यापार को इससे बढ़ावा मिलेगा। मेरे कहने की अपेक्षा सुजानपुर वासियों को कहने चाहिए, क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, कैसा लग रहा है उनको। पैराग्लाइडिंग सुजानपुर में शुरू हो रही है, टूरिज्म की तरफ से 1 करोड़ रुपया लगाकर यहाँ हेलीपैड नया बनाया जाएगा, एक और पार्क विकसित किया जाएगा और निश्चित तौर पर पार्क और शहर के नज़दीक या शहर के बीच बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लोगों को घूमने के लिए, बैठने के लिए जगह मिलेगी और जब धौला सिंह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो बहुत बड़ी वाटर बॉडी यहाँ बनेगी जिसमें वाटर स्पोर्ट्स बहुत हो सकेंगे। तो अनेकों संभावनाएँ हैं, सुजानपुर की किस्मत जाग रही है, सुजानपुरों को समझना चाहिए कौन जगा रहा है। जो चुना गया या सिलेक्ट हुआ, चयनित हुआ, उन सबका चुने हुए प्रतिनिधियों का भी और नॉमिनेटेड का भी एक ही काम है, जन जन की सेवा करना। अपने अपने वार्ड में जहाँ वो रहते हैं, जहाँ से बनाया गया है, वहाँ सेवा करें और जैसे मैंने कहा कार्यक्रम पहुँचाने का अपने उपलब्धियों का लोगों तक ये काम वो भी करें और नगर परिषद से जुड़ी हुई जितनी समस्याएं लोगों की आती है उनका समाधान उनके लेवल पर हो जाएगा। हमने प्रयास किया कि जहाँ से हमारे पार्षद नहीं थे अधिकतर उन वार्डों में हमने नॉमिनेट किया। Thank you.